तो वेलकम गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर दार सुना रहा था। पर आप लोग कैसे हैं? मुझे लगता है एकदम झकास हो गया। और गाइस, मैं आज साईं मंदिर आया हूँ जो कि इंदौर में बहुत फेमस है, छत्रीबाग साईं मंदिर के नाम से। यहाँ पर अगर आप लोगों को जांचें वगैरह करवाने रहती है तो जो बाहर आपको 1,000 रुपये 2,000 रुपये लगते हैं, तो यहाँ पर उसके आधे पैसे लगते हैं। और यहाँ पर क्योंकि ये है श्री साई बाबा मंदिर एवं हॉस्पिटल छत्रीबाग, टेलीफोन नंबर भी लिखा हुआ है और अंदर ही इस गली में ही मंदिर है। और ये इलाका छत्रीबाग महेश्वरी कॉलेज के पास ही है साई बाबा मंदिर। तो गाइस, अगर किसी को भी इलाज वगैरह करवाना हो तो वो यहाँ पर आ सकता है। जांच वगैरह, सोनोग्राफी करवाना हो या एक्सरे वगैरह करवाना हो, और तो आप लोगों के पास कम बजट है ना, आप बाहर नहीं करवा सकते, तो आप बकायदा साईं मंदिर पर आ सकते हैं और इलाज करवा सकते हैं। तो ये है साईं बाबा का मंदिर जो कि साईं मंदिर की स्थापना हुई थी 1967 में। और तो चलिए अपन है ना अंदर देखते हैं। और यहाँ पर है ना बहुत सारे लोगों को ना सुविधा मिलती है यहाँ पर। और गुरुवार और रविवार को काफ़ी भीड़ यहाँ पर रहती है। तो गाइस, मंदिर अभी बंद होने का समय हो चुका है। अभी 2 बज चुकी है और ये सुबह 6:30 ओपन हो जाता है। और मेन चीज़ यहाँ पर कि यहाँ पर काफ़ी लोगों को बहुत सारी सुविधा होती है। अगर किसी चीज़ की अगर जांचें करवानी हो, तो एक्सरे वगैरह करवाना हो, तो वो यहाँ पर बाकायदा आ सकता है छत्रीबाग साई मंदिर पर, जो कि है ना आधी कीमत पर। और यहाँ पर बाबा की हमेशा धुनी चलती रहती है, जैसा सीढ़ी में बाबा की धुनी जलती रहती है, वैसा यहाँ पर भी। और यहाँ पर ये जो दीपक है, ये अखंड जो जलते रहते हैं। और साईं बाबा के पास 2 दीपक जल रहे हैं, वो भी अखंड जल रहे हैं। और यहाँ पर गुरुवार के दिन विशेषज्ञ, तो जो भी डॉक्टर जांचा वगैरह करते हैं, जो देखते हैं, वो सब MBBS हैं। और यहाँ पर जो भी आपका ट्रीटमेंट होता है, तो जो भी डॉक्टर आपको देखते हैं, उनकी फ़ीस बहुत ही कम रहती है। मतलब 10-20 रुपये 30 रुपये जो भी फ़ीस रहती है इनकी। और ये रविवार के विशेषज्ञ, हृदय रोग, हड्डी रोग, नाक कान गला, जर्नल फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन, चेस्ट फिजिशियन, स्त्री रोग, शिशु रोग, मनोविज्ञान, तो इतनी सारी जांचें यहाँ पर होती है गाइस। और प्रतिदिन भी यहाँ पर आप आ सकते हैं, ठीक है। वो गुरुवार एवं रविवार को हॉस्पिटल का सुबह का समय 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। तो गाइस, अभी क्या है कि मंदिर भी 2 बजे बंद हो जाता है, और ये शाम को फिर ये 4 बजे ओपन होता है। और क्योंकि अभी 2 बज चुके हैं, ये बाहर आपको पूजा वगैरह का सामान मिल जाएगा, नारियल फूल की दुकान। और ये मंदिर, मतलब इस मंदिर को कम से कम 45-46 साल हो चुके हैं इस मंदिर को। रोज़ाना शाम को 5 से 7 बजे तक मिलती है रिपोर्ट यहाँ पर। और अगर किसी को भी अगर ज़रूरत रहती है, ठीक है, तो वो यहाँ पर साईं मंदिर में आ सकता है। तो गाइस, साईं मंदिर के ठीक सामने ही जो रहवासी रहते हैं, वो हमें यहाँ पर जो सारी चीज़ें होती है साईं मंदिर के बारे में बताएंगे। और साईं मंदिर तो कम से कम 48 से 50 साल हो चुके हैं। और हाँ, और अभी
और अभी ऐसा है कि यहाँ पर है ना अस्पताल को, मतलब जो यहाँ पे जांचे वगैरह होती है वो 20 से 25 साल हो चुके हैं। और अगर गाइज़ आप लोगों के पास कम बजट है और आप इलाज नहीं करवा सकते हैं तो आप बकायदा साईं मंदिर पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक दादी मुझे मिले हैं जो कि मंदिर के ठीक सामने ही रहते हैं, वो हमें बताएगी। तो साईं राम, साईं राम। तो माँ जी, आप इस साईं मंदिर के बारे में बताइए और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें। ये करीब सन 65 का है, हाँ, साई मंदिर, हाँ, और हॉस्पिटल को 20-25 साल हो गए हैं, हाँ, यहाँ पे हर एक जांच कम उसमें चार्ज में होती है, हाँ, शुगर होती है 20 रुपए में दोनों टाइम की, अच्छा, और बाकी जैसे जो जांचें यहाँ पे नहीं होती है, हाँ, तो वो यहाँ से जानकारी दे देते हैं, अस्पताल का अकाउंट नंबर दे देते हैं, वहाँ पे कम चार्ज में हो जाती है। अच्छा, मतलब वो अस्पताल लिख कर यहाँ से दे देते हैं अस्पताल का नाम, है ना, तो वहाँ जाके आप करवा सकते हैं जांचें, है ना, तो कम पैसे लगते हैं वहाँ, कम पैसे लगते। अच्छा, और सुबह कितने बजे ओपन होता है वो? यहाँ पे 8 बजे से 12:30 बजे तक, 1 बजे तक ओपन रहता है। जैसे 12 बजे तक पेशेंट आ गए तो उनका जितना भी टाइम लगेगा 1:30 बज जाए 1 बज जाए जब तक वो चालू रखते हैं। बाकी गुरुवार के रोज जी बड़े बड़े डॉक्टर उन्हों आते हैं, उनका अलग अलग टाइम है, और रविवार को भी बड़े बड़े डॉक्टर उन्हों आते हैं, उनका भी अलग अलग टाइम है। जैसे हड्डी विशेषज्ञ, पेट के विशेषज्ञ, ऐसे अलग अलग सब डॉक्टर होना आते हैं दोनों वार को। अच्छा, रविवार और गुरुवार। अच्छा, और शुगर वगैरह की जांचें होती है? और शुगर की रोज होती है, एक्सरे भी रोज होता है, और ECG रोज होती है। अच्छा, और सोनोग्राफी रोज होती है। सोनोग्राफी का टाइमिंग क्या है? सोनोग्राफी का टाइम डॉक्टर आते हैं 9:30-10 बजे, बाकी नंबर सुबह से लग जाता है। बहुत भीड़ लगती होगी, हाँ, है ना? और आपको कुछ कितने रुपए लगते हैं सोनोग्राफी में? सोनोग्राफी के पेंडेंसिंग के तो 550 रुपये लगते हैं, हाँ, और ये जैसे पथरी वगैरह की भी जांच होती है तो उसके भी 550 रुपये लगते हैं। अच्छा, मतलब सोनोग्राफी के 550 रुपये। और अलग अलग जैसे सोनोग्राफी होती है तो उसका चार्ज बढ़ भी जाता है। अच्छा, बढ़ जाता है। जैसे ब्लड की जांच भी कई तरह की होती है, जी जी जी, तो उसकी भी 300-400 रुपये तक, जैसे बाजार में 1000 रुपये लगते हैं तो यहाँ पे 500 रुपये में निपट जाते हैं। अच्छा, हाँ, बाजार से मतलब कम 40-50% की छूट है। अच्छा, तो गाइस बाजार से यहाँ पे आधे में काम होता है, हाँ, चले जाते हैं। और यहाँ रिपोर्ट मिलने का समय कितनी बजे? 4 बजे से मिलती है शायद? नहीं, 5 बजे से 7-8 बजे तक मिलती है। अच्छा, 5 बजे से शाम को 8 बजे तक मिलती है रिपोर्ट। और आप लोग दर्शन करने भी आ सकते हैं मंदिर में, छत्रीबाग साई मंदिर। और तो गाइस, अगर आप लोगों को मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी? ये मंदिर की स्थापना हुई थी जब एक मिट्ठू मरा था। अच्छा, तो वो मिट्ठू को इन लोगों ने यहाँ पे गाड़ दिया, हाँ। गाड़ने के बाद में ये पड़ोस वाले महाराज आए तो इन्होंने एक पत्थर पे सिंदूर लगा के और वहाँ पे बिठा दिए। इधर चेतन बाबू रहते थे जी, अभी भी रहते हैं वैसे, उनके बच्चे वगैरह वो तो शांत हो गए, हाँ। उनने वो पत्थर हटा के और बाबा की पादुका रख दी। अच्छा, बोले ये बाबा प्रकट हुए, फिर छोटी सी मंदिर बन गई, हाँ। वो मंदिर के बाद में फिर धीरे 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 विस्तार होता गया। अच्छा, तो मिट्ठू को यहाँ पर दफनाया, हाँ, गया था पहले, है ना, फिर मंदिर का निर्माण हो गया, क्या बात है। ठीक है, ये जब नई मंदिर बना उसके पहले की बात है, ये मंदिर दफनाया और उसको, हाँ, बाद में विस्तार से बनाया। अच्छा, यहीं पे छोटी सी मंदिर थी, हाँ, और पीछे वो चेतन बाबू रहते थे, वो कलेक्टर वगैरह में थे, हाँ। उन्होंने फिर धीरे धीरे, अच्छा, कलेक्टर से सहयोग लेके और बड़ा कर लिया, निर्माण करवाया, हाँ। उसके बाद में फिर ये पूरा खुला था तो यहाँ पे बोरिंग हो गया था, हाँ। बोरिंग पे सब हम लोग भी नहाते धोते थे, अच्छा, सब, हाँ, जो भी पानी वगैरह सब यहीं से व्यवस्था थी, इधर नल की लाइने तो थी नहीं, हाँ। और फिर इन्होंने बढ़ा लिया उसको। अच्छा, सब साईं बाबा की कृपा हो गई।
हैंडपम्प वगैरह सब अंदर है अभी। साई राम, साई राम। तो गाइस काफ़ी सारी जानकारी हमको अम्मा ने दे दी है। और गाइस अगर आप लोगों को यहाँ पर चेकअप करवाने आना है, चेकअप करवाने से पहले तो यहाँ पर है ना दर्शन करने आइए, आपको बहुत सुकून मिलेगा यहाँ पर। तो इसके पते की बात करें तो पता सिर्फ छत्रीबाग साई मंदिर, किससे ही पूछेंगे कोई भी बता देगा आप। और गाइस अगर आपके घर पे भी पेशेंट है और घर पर आपको पलंग की व्यवस्था चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए या डेंटल किट्स वगैरह कुछ भी चाहिए ना, तो आप यहाँ पर इंदौर में छत्रीबाग साई मंदिर आ सकते हैं और आप बकायदा यहाँ पर ले सकते हैं। और इसका पलंग का चार्ज मतलब एक दिन का 1 या 2 रुपये ऐसा चार्ज लगता है महीने भर का, और 1-2 महीने और उससे लेट हो जाते हैं तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज लगता है। बट ये सुविधा यहाँ पर बहुत अच्छी है कि अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है तो आप लोग बाकायदा यहाँ पर साई मंदिर छत्रीबाग आ सकते हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करिएगा, और अपने चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई लोकेशन। बाय बाय।